भाई यार इतनी सारी वीडियो बना ली R501 पे, एक इसकी रिस्ट्रिंगिंग भी बना दो। कौन से डाले इसके अंदर, यूनिक BG65 लिनिंग नंबर 7 या फिर कोई और ऑप्शन है तो वो बता दो। तो भाई तो आ गया है एड्रेनिक्स R501 रीस्ट्रिंग होके, इसमें डाला है मैंने आपके ही कहने पे योनेक्स BG65 और टेंशन दिया है 28। तो जितने भी लोग बोल रहे थे कि भाई ये 28 झेल जाएगा कि नहीं झेल जाएगा, तो देखो 28 पे हो क्या है। तो एक छोटा सा इसका मैंने वीडियो बना हुआ है, लाइक छोटा सा नहीं है, 10 मिनट का है लगभग, लेकिन इसकी प्रॉपर रीस्ट्रिंगिंग होते हुए एक वीडियो बनाया है। तो जिसको देखना है वो देख सकता है, वरना आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। बाकी वीडियो तो अच्छी लगेगी तो देख लेना, अगर थोड़ी स्लो लग रही हो तो 2x पर देख लेना, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे इसकी साउंड कैसे आ रही है, तो ये देख लो साउंड, साउंड सुन लो। ठीक है, BG65 है 28 LPS ऑन एड्रेनिक्स R501। इसके अलावा मैं और रैकेट्स के भी सुना देता हूँ। ये है लिनिंग PVS 903 PV सिंधु एडिशन, और इसमें डाली है किजुना की Z69P और टेंशन है इसके अंदर 22 LVS। और ये मेरा लिनिंग का GForce 380 II, इसके अंदर डाली है BG80 पावर एट 24 LVS। एक शटल को भी हिट करा के देख लेते हैं, तो ये हाथ में मेरा शटल है, थोड़े छोटे से एरिया में कर रहा हूँ। ठीक है, ये है Z69 किजुना। और ये है BG80 पावर योनिक्स।
तो इसकी रीस्ट्रिंग करा के मैंने इसके साथ में प्रॉपर मैच खेले हैं इंडोर कोर्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एक प्रॉपर पूरा मैच का हाइलाइट्स होगा। तो इसको मैंने फेदर शटल से भी खेला है और मैंने इसको योनेस की मैजोफिस 350 नायलॉन शटल से भी खेल के देखा है। तो सबके साथ में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना कि इसकी साउंड कैसी आ रही है शटल को हिट करने पर इंडोर कोर्ट के अंदर। और आउटडोर कोर्ट में मैंने इसकी खास कोई रिकॉर्डिंग की नहीं, अगर आप बोलोगे तो आउटडोर कोर्ट में भी इसकी रिकॉर्डिंग करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से बोला जाए तो ड्यूरेबल तो है ही स्ट्रिंग, और ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि क्या कहते हैं परफॉर्मेंस में कोई हिट आ रहा है। बस ज़्यादा मतलब और इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया क्योंकि इसके अंदर अच्छी स्ट्रिंग डल गई है, तो जो फीडबैक मिलता है शटल को मारने के बाद में वो काफ़ी अच्छा मिलता है। और ब्लैक कलर की स्ट्रिंगिंग कराई है तो काफ़ी मतलब डार्क लुक मिल रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है, एकदम लुक एनहेंस हो गई इस रैकेट की। वाइट स्ट्रिंग कराता तो उतनी कुछ खास लगती नहीं, तो ब्लैक स्ट्रिंग हो सके तो डलवा लेना, वरना ब्लू स्ट्रिंग भी डलवा सकते हो। उसके अंदर एक ब्लू स्ट्रिंग भी थी बट वो ब्लू थोड़ी ज़्यादा ही ब्लू थी, डार्क ब्लू कलर में थी, वो रॉयल ब्लू कलर उनके पास में था B65 का, तो वो मैंने स्किप कर दिया, मैंने ब्लैक डलवा दी। ब्लैक भी काफ़ी अच्छी लग रही है इसके ऊपर। बाकी आप बताओ कैसी लग रही है ब्लैक स्ट्रिंग इसके ऊपर। और ये उन्होंने इसकी ग्रिप पड़वाई है इसके अंदर जो 90 रुपीज़ के लगभग मिल जाती है, कहीं 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 पे 100 रुपये की भी शायद इसे ग्रिप मिले। इसको सुपर टैकी ग्रिप कुछ कुछ बोलते हैं, मैं एक्जैक्ट नाम बता दूंगा इसका। और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, मतलब आपने अराउंड 800 का रैकेट लिया, मैंने तो वैसे 600 का लिया, वीडियो में बता चुका हूँ, आपने लगभग 800 का रैकेट लिया, 100 रुपये की ग्रिप चढ़ाई मतलब 900 रुपये, और 500 रुपये अलग से डाले रिस्ट्रिंगिंग में, मतलब 1400 रुपीज़। तो 1400 के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रैकेट है, वरना आप कोई और रैकेट लेने जाओगे 1400 1500 का रैकेट लोगे 1600 का लोगे, उसमें 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा मान लो ग्रिप और रिस्ट्रिंगिंग का, तो उस हिसाब से आपके पैसे सही है, बच रहे हैं। बाकी जिसको अच्छा लग रहा है रैकेट वो ले सकता है, इसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे नए नई स्ट्रिंग डलवा के ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर रैकेट टूट भी गया तो क्या आपका ज़्यादा लॉस होगा नहीं। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 28 LBS दिलवाया, अपने प्रॉपर जो पर्सनल रैकेट्स हैं उनमें 24 और 22 LBS दिलवाया, ठीक है। बाकी जो मेरी जो और जो दोनों रैकेट में रिस्ट्रिंग करा के लाया हूँ मैं, तो मेरे को इन तीनों रैकेट में से जो सबसे अच्छी फील लग रही है वो Z69 की जूना की और BGT Power की लग रही है। अब BGT Power डली भी है, 700 रुपये की स्ट्रिंग है, और ये वाली जो है ये भी 500 की डली है, बट इसका कंट्रोल थोड़ा मेरे को उससे बेटर लग रहा है, और इसके साथ में मतलब खेलने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। बट वही है कि रैकेट ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं, तो उसका भी एक फ़र्क है, बट इस किजूना की स्ट्रिंग से खेलने में थोड़ा मज़ा थोड़ा ज़्यादा आता है, मैं ये बोल सकता हूँ। और BGT Power तो है ही अलग, उसका तो है ही रिपल्शन पावर और साउंड एकदम मस्त आती है, तो आप डलवा सकते हो, आवाज़ सुन लो। और ये किजूना की और BGT Power तो यही था इस वीडियो में आपको बताना, और कोई इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कराने हो तो कर सकते हैं। रिस्ट्रिंगिंग अभी तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि अभी डलवा के लाया हूँ, तो एटलीस्ट से 3-4 महीने तो मैं खेलूँगा ही BG65 से, और बता भी दूँगा अगर उससे पहले ये कभी टूट जाती है तो। इसको ट्राई करना आप फेदर शटल से खेलना, और आप नायलॉन शटल से भी खेल सकते हो, नायलॉन में भी ट्राई करना कि वही जो कॉर्क वाली जो नायलॉन शटल्स आती है उनके साथ में खेलोगे तो उसकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो जाएगी, और ये ज़्यादा लास्ट भी करेगी आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो देख लेना इसका, जिसमें मैंने एक मैच खेल के इसके साथ में दिखाया है, फेदर शटल के साथ में भी और नायलॉन शटल के साथ में भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बताना नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में चाहिए, बाकी जो दोनों रैकेट्स हैं उनकी जो रिस्ट्रिंगिंग कराई है उसके बारे में वीडियो चाहिए होगा तो बिल्कुल बताना। चलो मिलते हैं।